एक ऐसा देश जहां पर ट्रेन्स चलती है ऐसे तीन पटरियों पर, लेकिन क्यों और हमें हिचकी आखिर क्यों आती है? इस पेपर को आप पानी से धो भी सकते हो, और क्या हो अगर गलती से कोई फेविक्विक को खा ले तो? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, दुनिया भर के सभी देशों में ट्रेन चलाने के लिए दो ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको ट्रेन दो नहीं बल्कि ऐसे तीन ट्रैक्स यानी कि तीन पटरियों पर चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? तो आपको बता दूं कि पुराने समय में लगभग हर एक देश में ऐसे तीन ट्रैक्स की पटरियों का ही निर्माण किया जाता था, जिसके पीछे का कारण था मीटर गेज ट्रेन, जिसे छोटी लाइन की ट्रेन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ सभी देशों में इन छोटी लाइन की ट्रेन की जगह पर बोर्ड इंजन और रेलवे ट्रैक को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसमें ट्रैक की चौड़ाई बढ़ाने के साथ साथ ट्रेन के सभी इंजन के आकार में भी बदलाव करना होता था, जो कि काफी महंगा था। लेकिन बांग्लादेश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना होने की वजह से उन्होंने अपनी वही पुरानी ट्रेन के मॉडल्स को ही कंटिन्यू रखा। यही कारण है कि बांग्लादेश में ट्रेन ऐसे तीन पटरियों पर चलती है। नंबर टू, दोस्तों हम सभी घरों में टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो अगर कोई गलती से इसे खा ही ले तो? ऐसे में कहीं उस इंसान की जान तो नहीं चली जाएगी? तो आपको बता दूं कि फेविक्विक जैसे ही किसी मॉइस्चर या फिर नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसके चिपकने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही फेविक्विक की बूंद हमारी जीभ पर गिरती है तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिएक्शन करते हुए बहुत सारे सलाइवा को प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे कि साथ के साथ फेविक्विक एक तरल पदार्थ की तरह हमारी जीभ पर ना चिपक कर मुंह से बाहर की ओर बहने लगती है। ये हमारे शरीर का एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जो अनवांटेड चीजों को शरीर के अंदर दाखिल होने से रोकता है। साथ ही फेविक्विक को बनाने में साइनोक्राइलेट एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल तो दवाइयों में भी किया जाता है, जिससे कि गलती से भी इनके मुंह में जाने पर भी वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसका स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। नंबर थ्री, स्विट्जरलैंड दुनिया के पहले ऐसी कंट्री बन चुकी है जहाँ पर प्लेन भी सोलर पावर से चलते हैं। ये प्लेन्स एक ही बारी में पूरे 36 घंटे की लंबी उड़ान भर पाने की क्षमता रखते हैं। सारी कंट्रीज पोल्यूशन को खत्म करने और धरती को बचाने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हैं। वो समय दूर नहीं जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल और अन्य पोल्यूशन करने वाले पदार्थों का इस्तेमाल लगभग खत्म ही हो जाएगा। नंबर फोर, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इनके कॉम्प्लेक्स में लगी ये घास बड़ी हो जाती है तो ये इसका क्या करते हैं? तो इसके लिए ये गोट्स के एक झुंड को रेंट पर हायर करते हैं। गूगल चाहे तो मशीन की मदद से इस घास को बड़ी ही जल्दी और आसानी से कटवा सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये घास वेस्ट में जाकर किसी का पेट भरे, जो कि काफी काबिले तारीफ है। नंबर फाइव, खरगोश एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें उसकी खोपड़ी के सामने ना होकर साइड्स में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ यानी कि 360 डिग्री में देख पाने की काबिलियत रखता है, जिसके चलते इन्हें अपने शिकारे की किसी भी तरफ से किए गए मूव का बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है। और अपनी इसी काबिलियत की वजह से जंगल में शिकारी इतना आसानी से शिकार नहीं कर पाते। नंबर सिक्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेपर को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हर साल ना जाने कितने ही पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन हाल ही में एक कंपनी ने इन पेपर्स को बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, जिसके चलते वो स्टोन यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल करके कागजों को बनाने लगे हैं। ये पेपर फ्लेक्सिबल तो होते ही है और साथ ही इनकी मजबूती भी एक लकड़ी के कागज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, वाटरप्रूफ होने की वजह से ये कागज पानी पड़ने पर भी खराब नहीं होता, जिससे कि इन्हें कई सालों तक रिफ्यूज भी किया जा सकता है, जो हमारी जेब के लिए तो फायदेमंद है ही, और साथ ही ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी एक बड़ा कदम है। नंबर सेवन, जब भी किसी को हिचकी आती है तो कहा जाता है कि उसे किसी ने याद किया है, और हम बैठ जाते हैं बारी बारी से सबका नाम लेने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिचकी के पीछे का वो रियल वो साइंटिफिक रीजन क्या है? तो आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में फेफड़ों और स्टोमक एरिया के बीच एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे कहते हैं डायफार्म, जो जैसे ही हमारी बॉडी में सांस हवा के रूप में अंदर जाती है तो ये डायफार्म फेफड़ों में भरी हवा के दबाव से नीचे की ओर आ जाता है और हमारे पेट को दबाता है। ठीक इसी तरह फेफड़ों से सांस के बाहर निकलते ही ये डायफार्म फिर से ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी में खाना खाता है तो ये डायफार्म अपने आकार से सकुट जाता है, जिससे कि हवा फेफड़ों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती।
और नतीजतन हमें हिचकी आने लगती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूले।